आप सभी का स्वागत है मेरे विलेज ब्लॉग में। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो गाइस इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इतने सारे चेयर, लगता है कोई गेस्ट आके गया है। घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। किचन में मम्मी होगी, यहाँ पे भी मम्मी नहीं है। मम्मी पापा भाई कोई भी नहीं है, लगता है बाहर चले गए कहीं। इस रूम में, इस रूम में भी नहीं है, शायद लगता टेरेस के ऊपर होंगे। गेट खुला ही है, पता नहीं कहां गए। टेरेस के ऊपर भी कोई नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कहीं गए होंगे आसपास, कहीं पड़ोस के घर में गए होंगे। देखे गए जहां पे हम कपड़े सुखाते वहां पे बैठा है कौवा। ओ वहाँ पे बेटा, वहाँ से आके यहाँ पे क्या इरादा क्या है भाई तेरा? पानी पीना है? पानी के लिए कुछ हो सकता है। प्लान क्या है इसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे यार। वहां से गया यहाँ पे बेटा, यहाँ से आए पता नहीं कहाँ जाने वाला है। चलो छोड़ दो। अरे घर के आसपास का जो एरिया है मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ गाइस। देखिए कैसा एरिया है। गाइज आपको पता है गांव में हवा फ्रेश क्यों मिलती है? गाइज इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे हर किसी के घर के सामने आपको दो तीन पेड़ मिल जाएंगे। मेरे बाल काफी बढ़ चुके थे, यहाँ के सैलून बंद है इसलिए मैंने मेरे बाल सेट किए गाइज, तुम देख सकते हो। और गाइज नीचे मुझे कमेंट करके बताइए गाइज कि मतलब ये बाल मेरे कैसे है। अगर अच्छे लगे तो गाइज अपनी स्टाइल ऐसी रहेंगी, अगर कुछ लगता है आपको चेंज होना चाहिए तो गाइज अपन चेंज करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्लॉग शूट करने में मुझे दो तीन दिन लग जाएंगे। अभी अंकल जी बुड्ढे के बाल दे रहे हैं छोटे बच्चे को। देखिए कैसे बुड्ढे के बाल। ये है मेरा गांव, मेरे गांव की गलियां गाइस तुम देख सकते हो। मेरे मामा का गांव यहाँ से 3 किलोमीटर रहेगा गाइस, मैं जा रहा मामा के घर। हमारे गांव की पुरानी मस्जिद है यहाँ पे। फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं मामा के गांव में। और ये हमारे नाना, ये है गांव के चेयरमैन, छोटे मामा साहब में जा रहे। और ये हमारे यहाँ के हीरो छोटे नाना है मेरे, तुम देख सकते हो गाइस कैसे हंस रहे गाल में।
मैक्सिमम जो घर है गाइस सिंपल वाले ही होते हैं प्यार। किसी के घर के ऊपर गाइस टीन रहते हैं, ब्लैक कैरी बैग या फिर टीन है, क्योंकि छत आपको देखने नहीं मिलेगा। और मेरे मामा के भी घर के ऊपर गाइस टीन ही है। अभी कुछ फसल लगाने का काम चल रहा है किसान लोगों का, इसी वजह से गाइस ज़्यादातर लोग आपको गाँव में नहीं मिलेंगे। इस साइड पत्थर और जाने के लिए रास्ता। सबसे मॉडर्न किचन है गाइस, तुम देख सकते हो। जैसे एंटर किया मैं, अभी जा रहा हूँ किचन के अंदर। ये मॉडर्न चूल्हा, हमारी नानी घर की मालकिन। कैसे हंस रही है देखो गाइस, क्या कर रही है पता नहीं। और ये हमारे नानी के भाई, गाइस यहाँ पे भी किचन है, मुझे लगा भारी किचन है। यहाँ पे गैस है, इसमें मिर्च अदरक लहसुन इसमें कूटते हैं, हर किसी के घर में आपको ये मिलता है। ये किचन और ये मामा का सोफा सेट। कुछ प्लास्टर वगैरह कुछ किए नहीं गाइस, क्योंकि गांव में आपको हर एक घर में गाइस ऐसे मिलेगा। यह हमारे छोटे नाना है, यह हमारी बड़ी नानी है। छोटी नानी वहाँ पे थी, मैं आपको मिलाऊंगा। और ये थे मेरे नाना, अभी इस दुनिया में नहीं रहे। और ये है रैक इनका, गाइस गांव के लोगों को बंगला नहीं चाहिए, उनको सिर्फ छोटा सा घर चाहिए, बस वो अपने अपने घर में खुश रहते हैं गाइस। जैसे कि तुम देख रहे हो गाइस, ये मेरे मामा का घर है गाइस। यहाँ पे बैंगन लगे, बहुत सारे बैंगन है यहाँ पे, काफी बड़ा पेड़ है यार ये। खाना खा लिए गाइस, इनका एज है 101 साल। अभी भी गाइस अच्छे खासे है गाइस। मेरी नानी है ना, फिश और मटन बहुत सही तरीके से बनाती है। तो गाइस अभी बना रही है आमलेट मेरे लिए नानी। तीन अंडों का मुझे आमलेट खाना है, बट मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा खाऊंगा। तीन अंडे का आमलेट, ज्वारी की रोटी और ये पानी। तो गाइज कैसे लगा है आपको विलेज ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो गाइज इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने ब्लॉग इधर ही खत्म करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।